हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 का वर्कशीट 1 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन चैप्टर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ओके, देखिए इससे पहले जान लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन रूल क्या होता है। ओके, देखिए रूल कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है न्यूमेरिकल को। देखिए पहले क्या करेंगे हम, डिवीजन, डी मास रूल है ये, डी एम ए एस। ओके, डी से क्या होता है, डिवीजन, फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट सेकंड मल्टीप्लिकेशन, ओके, थर्ड है एडिशन, ये से क्या आएगा, एडिशन, लास्ट में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। ओके, इसी रूल को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 2 + 8 − 5। ओके, देखिए पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, यहां पर डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके बाद, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, नेक्स्ट + 8 − 5। ओके, देखिए पहले मल्टीप्लाई किए उसके बाद सेम नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट अब क्या करना है, एडिशन, ऐड करेंगे 6 + 8 = 14 − 5। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 − 5 = 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है 18 + 4 × 6 / 2 − 9। ओके, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, पहले डी से क्या होता है, डिवीजन, लिखेंगे 18। देखिए डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा सेम उसी को लिख देंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना टाइम जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 आ गया, −9। नेक्स्ट 18, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यम से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 − 9। देखिए अब ऐड करेंगे 18 + 12 = 30 − 9। देखिए लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन होता है, 30 − 9 = 21, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है 14 + 28 / 7 × 3 − 17। पहले हम डिवाइड करेंगे 14 प्लस, देखिए 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 4 = 28, 4 टाइम जाएगा, × 3 − 17। नेक्स्ट देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे अब, 14 + 4 = 12 − 17। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड, ऐसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 14 + 12 = 4 + 2 = 6 + 1 + 1 = 26 − 17। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन, 26 में 17 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चन है 18 − 2 × 10 / 2 + 2। ओके, देखिए इसमें डिवीजन पहले करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 18 − 2 × 10 / 2, 2 × 5 = 10, 5 टाइम जाएगा, + 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 − 2 × 5 = 10 + 2। ओके, देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 − 10 = ऐड करेंगे, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होता है, 18 + 2 क्या हो जाएगा, 20 − 10। अगला लास्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 − 10 = 10, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट ई क्वेश्चन है 25 / 5 × 8 + 6 − 12। डिवाइड करेंगे पहले हम, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिवीजन, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 टाइम जाएगा, 5 × 5 = 25 × 8 + 6 − 12। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40 + 6 − 12। अब ऐड करेंगे, सेकेंड स्टेप है, देखिए 40 + 6 क्या हो जाएगा, 46 − 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46 − 12 = 34, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है 27 − 9 + 4 × 5।
इसमें डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, 27 माइनस 9 प्लस 4 फाइव सा 20, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या, अगला हम ऐड करेंगे 27 माइनस 9 प्लस 20, सॉरी देखिए 27 और 20 को ऐड करेंगे, यहां पे सेम लिख देंगे इसको, ऐड करेंगे 27 और 20 को ऐड करेंगे 47 माइनस 9, 47 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें क्या आ जाएगा 38, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है 17 इंटू 3 प्लस 81 डिवाइड बाई 9 माइनस 60, ओके। देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा, डिवाइड करेंगे 17 इंटू 3 प्लस 81 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 टाइम जाएगा, 9 9 सा 81 माइनस 60, ओके। अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 इंटू 3 51 प्लस 9 माइनस 60, ओके। देखिए 51 और 9 को ऐड करेंगे अब, थर्ड स्टेप क्या हमारा, एडिशन, ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 माइनस 60, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 माइनस 60 क्या आएगा आंसर हमारा 0, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एच क्वेश्चन है 27 माइनस 42 डिवाइड बाई 3 प्लस 16, इसको पहले स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, ओके 14 टाइम जाएगा, 14 3 जा 42 प्लस 16, ये अब डिवाइड कर सॉरी ऐड करेंगे, देखिए 27 और 16 को ऐड करेंगे अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43 माइनस 14, ओके। देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट में, 43 माइनस 14 29, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। देखिए वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ओके।